ओम शांति। 21 अगस्त 2022। परमात्मा शिक्षा। बाबा, हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे, एकाग्रता से सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते, स्थूल अर्थात बाहर देखना कि कोई क्या कर रहा है, इस पर अटेंशन रखना, और सूक्ष्म अर्थात अपने भीतर देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इस पर ध्यान देना। तो जितनी हम स्थूल की वैल्यू कम करते जाते हैं, उतनी हमारी सूक्ष्म की पावर बढ़ती जाती है। स्थूल की वैल्यू ज़्यादा है तो सूक्ष्म में हम कमज़ोर हैं, और अगर स्थूल की वैल्यू कम है तो हम सूक्ष्म में पावरफुल हैं, और एक पावरफुल आत्मा ही हर चीज़ को ओवरटेक कर सकती है। बाबा कहते, परमात्मा बाप को तो केवल शुद्ध संकल्पों का फुल स्टॉक चाहिए, क्योंकि शुद्ध संकल्प ही सारा कार्य करते हैं। संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब संकल्प शांत हो जाते हैं तो हमारी सारी शक्तियाँ काम करेंगी, और अगर संकल्पों में हलचल है, ना तो ज्ञान काम कर रहा है, ना गुण काम कर रहे हैं, और ना ही शक्ति काम कर रही है। बाबा कहते, जहाँ समर्पण है वहाँ सफलता है, परंतु तब जब दिल से समर्पण किया हो, बिना किसी इच्छा के। जब हार के समर्पण किया तब सफलता नहीं है। अगर मैंने अपने जीवन की डोर सच्चे दिल से भगवान के हाथों में सौंपी हुई है, तब मैं अंदर से बेफिक्र रहूंगी, अपना हर रोल अदा करते हुए निश्चिंत रहूंगी, संतुष्ट रहूंगी, मेरे अंदर खुशी होगी, हल्कापन होगा, ना कि फिक्र या दुख होगा। और यही है छोड़ने की निशानी, अर्थात दिल के समर्पण से दिल का सुकून अनुभव होता है, क्योंकि श्रीमत की पालना की खुशी अलौकिक है। श्रीमत की पालना से शिव बाबा का तात्पर्य सूक्ष्म धारणाओं से होता है, अर्थात कैसी भी परिस्थिति में मेरे मन की स्थिति का अचल अडोल होना, मन का हल्कापन, निश्चिंत होना, संतुष्ट रहना। बाबा कहते, स्वयं के परिवर्तन के लिए जिन जिन संकल्पों की जरूरत है, तो अब शिव बाबा चाहता है कि हम केवल और केवल वो ही संकल्प करें। एक परमात्मा, दूसरा न कोई, एक बाप समान स्थिति और कोई इच्छा नहीं। इस इच्छा में पूरा बल भर जाए, समझा? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।